नमस्कार मित्रांनो, मी अमृत। और अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि मैं जा रहा हूँ शिरडी साई बाबा के पास। इसके लिए जब मैं रेलवे स्टेशन पर आता हूँ तो तभी मेरे दो दोस्त बन जाते हैं और पता चलता है कि दोस्ती कितनी जल्दी बन सकती है। इनमें से एक का नाम था राज और दूसरे का नाम था मेघराज। और फिर हम होटल में एक साथ खाना खाते हैं और इसी वक्त मुझे पूरनपोली भी खाने को मिलती है। खाना खाकर कुछ बातें होती है तभी हमारी ट्रेन भी आ जाती है। फॉर्चुनेटली हम लोग शिरडी के गाड़ी में बैठ गए, ये दोस्तों के साथ बैठे हुए। यहाँ पे ये भाई लोग बोल रहे हैं कि ये जनरल डिब्बा में पूरा रिजर्व करके बैठे हुए, लोग सो भी रहे। देखिए जनरल डिब्बे हैं, लोग सो रहे हैं यहाँ पे, जबकि शेयर करके चलना चाहिए इनको। फिर अगली सुबह मैं मेरे दोस्तों को छोड़कर पहुँचता हूँ शिरडी साई में। अब जैसे जैसे मैं साई के पास जा रहा होता हूँ वैसे वैसे मुझे पॉजिटिव एनर्जी भी देखने को मिल जाती है। फिर मैं शिरडी साई के मंदिर में पहुँचते ही दर्शन के लिए लाइन में लग जाता हूँ और साई बाबा की मूर्ति को देखकर अचंभित हो जाता हूँ। फिर उसी मंदिर के महाप्रसाद का लाभ लेकर पेट पूजा भी हो जाती है। शिरडी की खास बात ऐसी कि यहाँ दर्शन के साथ साथ खाना भी बहुत सस्ता मिलता है। फिर यहाँ के साई के पैर छूकर मैं कुछ मनोकामना भी कर लेता हूँ और शिरडी के दर्शन के साथ साथ मुझे सफर में और भी ज्यादा मजा आने लगता है। चलो अब शिरडी में लिए हुए कुछ फोटो के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं और आगे की जर्नी को शुरू करते हैं।